तमाम राज्यवासियों को आज अत्यंत दुख के साथ लाइव आना पड़ रहा है कि वर्तमान झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। यह बहुत दुखद घटना है और शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो के निधन से पूरा राज्य शोक का लहर से डूबा हुआ है। आज माननीय शिक्षा मंत्री के निधन पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन गहरी दुख व्यक्त करती है और आदरणीय शिक्षा मंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सत सत नमन करते हुए उनके दिवंगत आत्मा के शांति का प्रार्थना करते हैं। साथियों, जिस वक्त से माननीय शिक्षा मंत्री का निधन का खबर आया है, पूरे राज्य के छात्र आहत हैं, दुखित हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के एकमात्र ऐसा मंत्री विधायक तो हैं एक दो और जो खुले तौर पर खतियान का बात करते हैं। जैसे विधायक आदरणीय लॉबिन हेमराम दा हैं, तो लेकिन एक विधायक हैं, लेकिन अगर राज्य के कोई मंत्री बेबाक तरीके से खुलकर खतियान का बात अगर कोई मंत्री रखते हैं तो वो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। भले उसका बातों को सरकार कितना अमल किया नहीं किया, वो एक अलग बात है। आज बेबाकी से खतियान का मांग करने वाले एक राज्य का कैबिनेट मंत्री के निधन पर राज्य सरकार से एक नोटिफिकेशन आया है कि 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा, अर्थात आज यानी 6 अप्रैल और कल 7 अप्रैल को राजकीय शोक मनाया जाएगा। पूरे राज्य के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, ऑफिस है, कार्यालय है, सभी के सभी बंद रहेंगे। और हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो 3 दिवसीय था, 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 9 तारीख को मशाल जुलूस और 10 तारीख को झारखंड बंद का, जिसका तैयारी हम लोग लगभग पूरे राज्य में कर चुके थे। क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं और एक इंसान का, एक मानव का सबसे बड़ा चीज़ मानवता होता है। हमारा अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य का ऐसा विकट परिस्थिति आया है कि एक तरफ आदरणीय शिक्षा मंत्री के निधन पर पूरे राज्य के लोग के आंसू नम हैं, सब दुखित हैं, पीड़ित हैं, लोग उसके शव यात्रा निकालेंगे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करेंगे, उसको स्वर्ग प्राप्ति की कामना करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग का घोषणा, जो घोषणा से तो जानते ही आप सभी कि घोषणा से सबका आमने सामने होगा, तू मैं होगा, हो हल्ला होगा। तो बहुत बुद्धिजीवियों का, छात्रों का सुझाव आ रहा है कि एक तरफ राज्य में पूरे दुख शोक, आदमी चिंता आंसू बहाएंगे, और उसी वक्त हम लोग का रोड पे, सड़क पे छिछिलेदर करना, तू मैं करना, यह असहनीय होगा, ऐसा सलाह आ रहा है। अब मैं लाइव में जुड़े या सुनने वाले तमाम छात्रों पर अपना निर्णय, आप लोग पे सुझाव पे देना चाहता हूँ। आप तमाम छात्रों से आग्रह है, निवेदन है कि आप हमें एक सुझाव दीजिए कि हम लोग 8, 9 और 10 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार यहाँ के बुद्धिजीवी और छात्र लोग का सुझाव आ रहा है कि दुख चिंता
रोते आंसू बहाते के वक्त यह करना उचित नहीं है। आप लोग 4-5 दिन बाद यह कार्यक्रम पुनः रख सकते हैं। तो इसका एक ठोस निर्णय क्या होगा, यह आप तमाम छात्र कमेंट के माध्यम से बताइए, सुझाव दीजिए, उसी के हिसाब से हम लोग अंतिम निर्णय जो भी होगा बाकी और छात्रों से राय लेकर, चूँकि सर्वसहमति से हम लोग हमेशा राय लिए हैं, तो इस बार भी सर्वसहमति से राय लेते हुए हम लोग अंतिम निर्णय कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के तमाम छात्रों को सूचित करेंगे। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व जो भी निर्णय होगा इसका सुझाव आप लोग का महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप तमाम छात्रों से निवेदन होगा कि आप लोग अवश्य सुझाव दें कि यह वक्त पे क्या करना चाहिए, इस विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ राज्य के लोग शोक पे डूबे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग सड़क पे उतर के हो हल्ला करेंगे, तो यह कहाँ तक उचित होगा और कहाँ तक अनुचित होगा, यह आप लोग के सुझाव पर हम लोग निर्णय लेंगे। धन्यवाद, जोहार।